तो और भाई क्या हाल चाल, होप एवरीथिंग इज ऑलराइट। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला इस टाइप के स्टेटस वीडियो के बारे में, लाइक कैसे आप इसे क्रिएट कर सकते हो, लाइक कैसे आप एडिट कर सकते हो, ओके ना। तो देखो, बेसिकली इस वीडियो को बनाने के लिए हमें दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ी, लाइक एक फोटो एडिटिंग और दूसरा ऑब्वियसली बात है वीडियो एडिटिंग, ताकि आप उसे वीडियो फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो, ओके। तो देखो, सबसे पहला इसमें जो डिफिकल्ट पार्ट आता है वो है इसका लिरिक्स पार्ट को लिखने में, क्योंकि इसे हमें क्या करना पड़ता है, पार्ट वाइज पार्ट एडिट करना पड़ता है थ्रू पिक्सआर्ट या फिर पिक्सल लैब एप्लीकेशन के पेटीना। सो बढ़ते ट्यूटोरियल की ओर। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो फॉन्ट के डाउनलोडिंग लिंक मिलेंगे, एंड उसे क्या करना है आपको डाउनलोड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, एंड फिर जो आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन सारे फॉन्ट्स को कॉपी करना है या फिर आप मूव कर सकते हो एंड पेस्ट कर देना पिक्सआर्ट पे जा करके फॉन्ट वाले फोल्डर पे, ओके ना। तो देखो, इस वीडियो में मतलब मैं जो बनाऊंगा फॉन्ट, मतलब आई मीन टू से मैं लिरिक्स लिखने वाला हूँ, वो उस एप्लीकेशन के लिए मैं यूज़ करने वाला पिक्सआर्ट। आप चाहो तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करके लाइक उसमें भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसमें पिक्सआर्ट यूज़ करूँगा, क्योंकि पिक्सआर्ट बहुत ही इजी तरीका मेरे को लगता है, क्योंकि पिक्सल लैब बहुत लोगों की समझ से बाहर है, ओके ना। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है, एंड फिर पहले आपको लिरिक्स लिखना है। लिरिक्स कैसे लिखना है तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, देखो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पे, ओके ना। एंड इसके बाद आपको क्या करना, पिक्सआर्ट को ओपन करने और प्लस के आइकन पे टैप करना, एंड आपको जाना ऑल फोटोज पे, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड पे टैप करने के बाद यहाँ पे एक ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है, ओके ना। एंड दैट्स इट, अब आपका जो टोटल काम करना है यहीं से करना है। एंड सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सॉन्ग सेलेक्ट करना, लाइक कौन से सॉन्ग पे आपको स्टेटस बनाना, एंड उसका लिरिक्स आप गूगल से सर्च कर सकते हो, या फिर अगर आपको याद है तो टाइप कर सकते हो, लाइक मेरे को याद है तो मैं स्ट्रेट टेक्स्ट पे जाऊँगा एंड फिर पहला वर्ड लिखूँगा लाइक तेरे, ओके। एंड इसका जो फॉन्ट है गाइस, आप क्या कर सकते हो, मैं फॉन्ट में जाना, एंड मैंने जो इसका दिया था लेमन मिल्क का, तो आप मीडियम रख सकते हो या फिर बोल्ड रख सकते हो, तो मैं मीडियम रखता हूँ ना तेरे। एंड इसका आप कलर चाहो तो चेंज कर सकते हो, रेड कर देता हूँ। फिर टेक्स्ट पे जाना एंड फिर लिखना है तेरे बिना, ओके। मैं फॉन्ट्स पे जाऊँगा एंड इसका हैंड राइटिंग चूज़ कर लेता हूँ, ओके। एंड इस पर मैं क्या करता हूँ, स्ट्रोक डाल देता हूँ इफेक्ट, एंड थोड़ा सा शेडो इफेक्ट भी डाल देता हूँ, ओके। एंड अब जो पार्ट आता है, मैं इसमें आता है लीफ का पार्ट, आप लीफ कैसे लगा सकते हो, तो टेक्स्ट पे टैप करना है एंड फिर यहाँ पे टाइप करना है एफ, ओके। देन माय फॉन्ट पे जाना, एंड मैंने जो इस लीफ वाला फॉन्ट दिया था यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको टैप करना एंड फिर इसको ऐसे लगा देना है। आप चाहो तो इसका कलर चेंज कर सकते हो, एंड फिर डुप्लीकेट करना है इसको, एंड फिर यहाँ से आपको क्या करना है, इसको कुछ यूं लगा देना है इधर से। एंड गाइस, फिर लास्ट में आप क्या कर सकते हो, इमोजी भी लगा सकते हो, अगर आपको इमोजी लगाने का मन है तो आप इमोजी डाल सकते हो ऐसे करके, एंड इसमें स्ट्रोक या फिर आप शेडो इफेक्ट डाल सकते हो। एंड फिर इसको सेव करना है, ठीक ना। एंड ऐसे ही करके आपको वन बाय वन सारे पार्ट्स को एडिट करना है, ठीक। बढ़ते अब वीडियो एडिटिंग की ओर। सो गाइस, देखो वन बाई वन लिरिक्स एडिट करने के बाद आपको क्या करना है, किसी भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के ऊपर आ जाना, लाइक आप वीटा एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, काइन मास्टर, पावर एक्टर, वीएन, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं आप मार्केट में, बहुत ही आपको जरूरी नहीं कि बहुत हाई फाई आप वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन यूज़ करो इसमें, ठीक ना। क्योंकि हमारा काम हो चुका है पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ही, लाइक हमें तो लिरिक्स से मतलब था, ठीक ना। उसके बाद मेरे को इसमें क्या करना है, ज़्यादा एक ट्रांजिशन डालना एंड सॉन्ग के साथ सिंक करना, ओके ना। तो इसके लिए मैं वीएन एडिटर एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो, आपको ये करना, सबसे पहले अगर आप भी वीएन एडिटर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो प्लस के आइकन पे टैप करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना है, एंड फोटोज वाले सेक्शन में जाकर के आपको वो सारे फोटोज सिलेक्ट कर लेने वन बाय वन, जितने भी मैंने मतलब वहाँ पे एडिट करा था, ठीक ना, ओके। यहाँ पे जैसे गाइस हम लोगों ने वन बाय वन सिलेक्ट कर लिया तेरे बिना जीना सजा हो गया, एंड फिर आपको क्या करना, सिंपली म्यूजिक पे टैप करना है, म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाकर के वो म्यूजिक यहाँ पे चूज़ कर लेना है, ओके। एंड अब म्यूज़िक को आप सुनो एंड इसे सिंक कर दो, एंड फिर आप क्या कर सकते हो, मैं अभी म्यूज़िक अलाउ नहीं करूँगा चला, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो मैं आपके सामने सब चीज़ कर देता हूँ। पहले मैं प्लस के आइकन पे टैप करता, एंड आप स्टार्टिंग में कुछ ऐसा यूज दे सकते हो बीट के इफेक्ट में, एंड फिर बीच बीच में आप क्या कर सकते हो, प्लस के आइकन पे टैप करके जूम आउट ट्रांजिशन दे सकते हो, एंड इफेक्ट वाले फिल्टर में जा करके आप क्या कर सकते हो, शेक इन फिल्टर यूज़ कर सकते हो, एंड इसको आप फुल कर देना सभी पे। एंड लास्ट में गाइस, आपका इन द एंड आपका वीडियो कुछ ऐसा दिखेगा। तो बस भाई, आज की वीडियो में इतना ही है, होप कि वीडियो पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंडों के साथ, और हाँ कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बना है ऑब्वियसली।
तो देखो मिलता है इसी के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून ब्रोस।